बिग बॉस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप नहीं जानते कि आखिर सभी यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर ही बिग बॉस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं और क्या पुनीत सुपरस्टार फिर से बिग बॉस में वापस आएंगे। पुनीत सुपरस्टार का तो पता नहीं लेकिन ध्रुव राठी तो नहीं आएंगे। और सलमान खान को ये शो होस्ट करने के लिए आखिर कितने पैसे मिलते हैं तो चलिए जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस शो आखिर क्यों बनाया गया, अरे पैसों के लिए और क्या। इनका वन ऑफ द मोस्ट व्यू सीजन 13 है जो वुट ऐप पर 1.5 बिलियन व्यूज आए थे और 20 बिलियन का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था। अरे भाई साहब इधर 4000 घंटे पूरे नहीं हो रहे और उधर 20 बिलियन वॉच आवर कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कि सलमान खान आखिर कितने पैसे लेते हैं इस शो के लिए। तो सलमान खान को OTT पे एक एपिसोड के करीब 12.5 करोड़ दिए जाते हैं, मतलब हफ्ते में 25 करोड़। भाई पैसा डबल, भाई पैसा डबल। लास्ट ईयर में ये शो करण जौहर ने किया था और उनको मिला था 2 करोड़ रुपए। भाई उनको हकाल दिया। क्या पुनीत सुपरस्टार फिर से इस शो में वापस आएंगे? पुनीत सुपरस्टार इस शो में आते ही उनको निकाल दिया गया था, जिस वजह से वो फेमस थे वही चीजें उन्होंने घर में जाके कर दी। टूथपेस्ट मुंह पे लगाना, अलग ही चिल्लाना, ये सब घर वालों को देखा नहीं गया और डर गए, जिस वजह से बिग बॉस ने उनको निकाल दिया। बट पुनीत जी को इस शो में लाने के लिए ना बिग बॉस को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। पुनीत जी का अलग ही फैन बेस है सोशल मीडिया पर, मतलब उनके पोस्ट बताओ तो करीब 26,000 पोस्ट उनके इंस्टाग्राम पर है। और मैं आपको बता दूं कि वो एक दिन में करीब 10 वीडियो पोस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी भाई। और मेरे को देखो भाई, रोना आ रहा है मुझको। इनका नाम सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चल रहा था और बिग बॉस ने बोला इनको तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन पुनीत जी ने बोला कि मुझे जुहू में प्रॉपर्टी चाहिए और एक प्राइवेट लैंड चाहिए। बिग बॉस ने बोला ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। बट जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट गए तो उनके सामने एग्रीमेंट रेडी था जिसमें इतने करोड़ लिखे थे। उन्होंने बोला मेरे को लैंड नहीं चाहिए, मेरे को तो पैसा ही चाहिए। और उन्होंने ये शो ज्वाइन कर लिया। पर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट के बाद फर्स्ट डे वो पैसा बर्बाद। पर मुद्दा ये है कि क्या पुनीत सुपरस्टार फिर से बिग बॉस में वापस आएंगे? 99% चांसेस है कि वो बिग बॉस में फिर से वापस आएंगे। मेरे को तो लगता है कि उनको आना ही चाहिए भाई, उनका स्वैग ही अलग है। तो दोस्तों बोला था ना ये फेमस होके दिखा दूंगा, बोला था ना आप लोगों को। अब बात करते हैं कि बिग बॉस पर सभी यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर ही क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि भाई लास्ट ईयर इन्होंने गलती कर दी थी, उन्होंने म्यूजिक मूवीज टीवी शोज के कैरेक्टर उठाए थे। इस बार इन्होंने बोला कि हम उठाएंगे सोशल मीडिया वाले, इंस्टाग्राम वाले, यूट्यूब वाले, बस टिकटॉक वाले मत उठाओ भाई। तो आपको पता ही होगा कि यूट्यूबर्स की कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर। इस वजह से बिग बॉस इनको शो में ला रहे हैं क्योंकि इनकी TRP बढ़ेगी, व्यूज बढ़ेंगे और साथ ही साथ पैसा भी बढ़ेगा। और आपको क्या लगता है कि बिग बॉस आखिर कौन जीतेगा और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।